हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। हाँ, मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही थी अपने पापा से और आज मेरा फास्ट था तो बस मैं बैठी हुई थी और बोर हो रही थी तो मैं कुछ सोच रही थी चलो कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे कल हमारे घर में हवन है तो मेरे पापा हवन का सामान लाए थे तो वही देख रहे थे क्या क्या सामान हो गया है और किस किस सामान की ज़रूरत भी है। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि मैं कोई लुक करती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा था। और कमेंट में आप ज़रूर बताना क्या मैं पतली हो गई, पर ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कोई लुक करते हैं। तो मैंने अलमारी खोली, अलमारी खोलते ही मैंने मम्मी की कोई साड़ियाँ देखी। बाकी सारी साड़ियाँ तो बेड में रखी थी पर मुझे जो समझ आई मैंने ले ली थी। फिर मैंने यहाँ पर स्टार्ट करा अपना मेकअप और मैंने गाइस मैंने इसमें पूरा ट्यूटोरियल नहीं डाला है, मैंने शॉर्ट्स डालूंगी तो आप शॉर्ट्स में मेरे पूरा देख सकते हो। इसमें मैंने कम डाला है क्योंकि मैं शॉर्ट्स की ही वीडियोस बना रही थी, मैंने व्लॉग तो सोचा ही नहीं था। पर मैंने सोचा कि इतने दिन से व्लॉग भी नहीं डाला है तो व्लॉग भी क्यों ना मैं डाल दूँ। तो यहाँ पर मैंने सिरम लगाया था तो गाइस सिरम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे तो लगाना ही पड़ता। और आप देख सकते हो सिरम लगा के मेरे फेस पे कितना शाइन सा हो गया। और यहाँ मैं प्राइमर ले रही हूँ तो सिरम लगाने के बाद जब मैंने प्राइमर लिया तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। और मैं ये नॉर्मल ऐसी मेकअप कर रही थी, कोई मैं अच्छा मेकअप क्रिएट नहीं कर रही, नॉर्मल ही मैंने वीडियोस के लिए मैंने मेकअप करा। और यहाँ मैं सामान देख रही थी, मुझे कुछ सामान मिल भी नहीं रहा था क्योंकि गाइस मैं ना रखती हूँ तो बहुत अच्छे से रखती हूँ और जब मेकअप करके फिर वापस सामान रखती हूँ ना तो उल्टा सीधा किसी में भी घुसा देती हूँ और रख देती हूँ क्योंकि बाद में मुझे बहुत आलस आता है। और जब संभाल के रखती हूँ तो बिल्कुल अच्छे से रखती हूँ। तो यहाँ मैंने स्पंज को ना वैसे धोना चाहिए, पानी में पहले भिगोना चाहिए, लेकिन मैंने ना यहाँ पे मेकअप फिक्सर से लगा दिया था, मतलब मेकअप फिक्सर से कर लिया था। और यहाँ मैं कंसीलर लगा रही थी ऑरेंज क्योंकि मेरे बहुत सारा डार्क सर्कल है और माउथ एरिया मेरा ब्लैक है तो जहाँ जहाँ ब्लैकनेस होती है वहाँ ये कंसीलर लगाना चाहिए ऑरेंज करेक्टर। तो बस मैं यही लगा रही थी और मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही थी तो गाइस ये मैंने ब्लेंड करा तो ये बिल्कुल भी ना, मतलब मैंने बहुत कम लगाया था, बहुत कम क्वांटिटी में तो इतना पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने दोबारा लगाया और फिर दोबारा लगा के मैंने हाथ से करा। अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और बस इसको भी आप जितनी अच्छे से बेस ब्लेंड करते हो उतने अच्छे से आपका मेकअप उभर के आता है। और यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। फिर मैंने बाद में लास्ट में और भी लिया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था इस वजह से। और पता नहीं क्यों यार, जो चीज़ रियल में होती है वो चीज़ कभी भी फ़ोन में आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मेरा रियल में मेकअप इतना सुंदर हुआ था, इतना सुंदर, बहुत सुंदर गाइस, लेकिन वो चीज़ फ़ोन में आई नहीं रही थी। शायद वो आईफोन में ही आती है और मेरा तो आईफोन नहीं है लेकिन मैं तो एक नॉर्मल फ़ोन से ही शूट करती हूँ वीडियो सब कुछ। बाकी सारी चीज़ें मैंने ले रखी है लेकिन एक फ़ोन ही अच्छा नहीं है, पर कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ मैं फाउंडेशन में थोड़ा गोल्डन, एक मिनट गाइस, तो ये मैं फाउंडेशन में मैंने स्विस ब्यूटी का पता नहीं यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैं बता दूँगी अगर मुझे याद आया तो मैंने वो मिक्स कर लिया था। और मैं यहाँ पे बस अप्लाई करने लग गई थी और मैं अप्लाई कर रही थी, पहले मैंने हाफ़ फेस पे अप्लाई करा। वैसे यार ये ब्रश से लगाना होता है लेकिन मैं हाथ से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था, मुझे नॉर्मल वीडियो ही शूट करनी थी, इस वजह से मैंने हाथ से ही लगाया। और मैंने बहुत लाइट बेस बनाया था अपना क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना था इस वजह से। और गाइस कहते हैं ना जितना अच्छे से ब्लेंड करो उतना ही अच्छा उभर के आता है मेकअप, तो बस ब्लेंड की कमी है, हमें ब्लेंड अच्छे से करना होता है। और मुझे आपसे एक बात भी करनी थी कि आप तो मेरी वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, बिना लाइक करे चले जाते हो,
तो गाइज़ जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखते हो आप भूल भी जाते होगे, तो पहले ही मेरी वीडियो पे आते ही लाइक कर दिया करो ताकि आप भी ना भूलो इस वजह से। तो यहाँ पे बस मेरा आधा फेस पे ब्लेंड हो गया था, पर फिर भी मैं अच्छे से कर रही थी ताकि केकी केकी सा ना लगे, फटा हुआ ना लगे कहीं भी। तो गाइज़ फटा हुआ मेकअप ना बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और आपको पता है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने पहले सिरम विरम भी लगा लिया था और मॉइस्चराइज़र भी मैंने लगाया था, और इस टाइम तो देखो मॉइस्चराइज़र की बिल्कुल भी वो नहीं है। तो मैंने इतनी ही वीडियो शूट करी थी और ये था मेरा फाइनल लुक, तो आप लोग देख सकते हो। पता नहीं जो चीज़ है वो चीज़ क्यों नहीं आ रही, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। और पीछे मम्मी मंदिर में कुछ कुछ कर रही थी इसलिए, तो आप लोग देख सकते हो, मुझे तो दिखाना भी नहीं आ रहा है। और ये मैंने यहाँ बैठ के मेकअप करा था, ये था मेरा फाइनल लुक। और मैंने सीधे पल्ले की साड़ी बांधी थी पहली बार गाइस, और आप मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देख सकते हो कैसी लग रही है। और मैंने ये आईज पे, चिन पे और नेक पे कुछ बनाया था, तो आप लोग ये भी देख सकते हो। थोड़ा घर वाले बातें कर रहे थे इसलिए उसकी आवाज़ भी आ रही होगी, तो आप एडजस्ट कर लेना, देखो कमेंट में ज़रूर बता। हेलो गाइस, फाइनली आपको मेरा लुक अच्छा लगा होगा और मैंने ये लुक क्रिएट किया है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा है। और आप देख सकते हो मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है, नो स्पिन मिस करी है क्योंकि आई थिंक यू नो स्पिन यार मेरे पास थी नहीं इस वजह से। तो आप लोग देख सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। और गाइस वाओ, मेरा मेकअप गाइस नेचुरल मेकअप करा है नॉर्मल, क्योंकि कहीं जाना तो था नहीं, सिर्फ वीडियो शूट करनी है, व्लॉग्स बनाना था। काफ़ी दिन से आपके व्लॉग्स भी नहीं आए हैं मेरे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने व्लॉग्स भी बना लेते हैं। और गाइस इयर रिंग्स बताना कमेंट में कैसे लग रहे हैं। तो ये इयर रिंग्स मुझे मेरी भाभी ने दिए थे, मतलब मासी की बहू में, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लग रहा है। थैंक यू सो मच काजल भाभी, आपने ये मुझे इयर रिंग्स दिए और मेरा इतना अच्छा लुक क्रिएट हुआ है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर ही बताना। चलो मिलते हैं थोड़ी वीडियो शूट करके।